इंडिया में जो टैलेंट है, स्किल्स है, लेबर है, वो यहाँ पर भाई दूर दूर तक नहीं है। और अभी हम एक पास में आइलैंड है मोरानो करके, वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। और वो सुना है बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है। जो वेनिस की इकोनॉमी है, जो लोगों का घर चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के चल रहे हैं यहाँ पे। इसको भाई साहब गांडूला कहते हैं। इतनी बहनचोद फंगस लगी हुई है, काई लगी हुई है, सीजन लगी हुई है हर जगह। ये देखो घर, देखो भाई साहब यहाँ पे रह रहे हैं लोग गरीबी में। आज का व्लॉग दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं बुलेट ट्रेन में। आज मैं पहली बार एक बुलेट ट्रेन में बैठने वाला हूँ। और इस ट्रेन की दोस्तों जो स्पीड है वो है 250 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से दोस्तों जो ये डिस्टेंस है रोम टू वेनिस का, मैं वेनिस जा रहा हूँ, मेरा रोम का व्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बट जो रोम टू वेनिस डिस्टेंस है वो आई थिंक 700-750 किलोमीटर के अराउंड है, और वो ये सिर्फ 3 घंटे के अंदर कवर कर देती है। अनाउंसमेंट हो रही है, इटालियन में करी अनाउंसमेंट, वैसे तो समझ हमें आने दी। जहाँ पे क्या है दोस्तों, जो हर जगह अनाउंसमेंट है, जो चीज़ें लिखी होती है, वो सारी इनकी लैंग्वेज में लिखी होती है, इटालियन में। इंग्लिश में बहुत कम चीज़ें लिखते हैं, तो इसलिए भाई यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर के बिना ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है। और ये ट्रेन दोस्तों फास्ट होने के साथ वेल मेंटेन्ड भी है। यहाँ पर जो सर्विस वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है। अब ये खाना वगैरह सर्व करेंगे यहाँ पे। और सच बताऊँ दोस्तों, ऐसी बुलेट ट्रेन इंडिया में भी होती आज की तारीख में, और सैकड़ों ऐसी बुलेट ट्रेन होती अगर कांग्रेस ने 70 साल हिंदुस्तान पे राज ना किया होता और हिंदुस्तान को खोखला ना किया होता। और ये बात दोस्तों मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इंडिया में जो टैलेंट है, स्किल्स है, लेबर है, वो यहाँ पर भाई दूर दूर तक नहीं है, बट इसके बावजूद भी हम आज की तारीख में इनसे कम से कम 50 साल पीछे हैं, थैंक्स टू कांग्रेस। और हालांकि दोस्तों बस अब मैं तो सोऊंगा, क्योंकि भाई थकान बहुत हो रही है 2 दिन से, और अभी 2 दिन और है ट्रैवल करने के, वेनिस को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है। तो वेनिस पहुँच कर इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, स्टे ट्यून। तो अभी दोस्तों मैं वेनिस में एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे भाई अलग ही फील आ रही है। ये दोस्तों हालांकि बहुत छोटी सी सिटी है, बट दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटीज में से एक है। और ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बोट चल रही है, ये पूरा ब्रिज बना हुआ है, और ये बहुत पॉपुलर वो है, एक इनकी आइकॉनिक जगह है जिस ब्रिज में अभी चढ़ रहा हूँ। तभी शायद रात को आपको इतना दिख नहीं रहा होगा, बट दिन में भाई बहुत सुंदर लगती है जगह, मैंने फोटोज वगैरह में तो बहुत बार देखा है। बड़ी छोटी छोटी भाई इनकी अंधेरी गलियां हैं, और काफी अनसेफ हो सकता है रात को टूरिस्ट के लिए, तो इसलिए दोस्तों आज तो भाई रात को ज्यादा हम घूमेंगे नहीं, आज बस होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, और कल दिन में वेनिस को अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड द नेक्स्ट डे। अभी भाई मेरा कैमरा घूमते रह गया, मैं यहाँ पास में एक साइबर कैफे, वहाँ पे गया था अपना बोर्डिंग पास प्रिंट आउट निकालने, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, बट निकलते वक्त मैं कैमरा वहाँ पे भूल गया, फिर 1 घंटे बाद मुझे लड़की मिली। हमारा प्लान था आज घूमने का, इसने मेरे से पूछा भाई कैमरा कहाँ है, मेरी 2-4 फोटो ले ले। मेरे याद आया भाई कैमरा तो मैं वहाँ बुलाया, बट थैंकफुली यहाँ पे लोग अच्छे हैं, तो मेरा कैमरा जहाँ पे मैं बैठा था वहीं पे ही पड़ा मिला मुझे, किसी ने ना टच किया उसे ना किसी ने चुराया। और वैसे दोस्तों अभी हम वेनिस की गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हर दूसरी गली में आपको ऐसी नदियां निकलती हुई मिलेंगी। ये वेनिस की भाई सबसे आइकॉनिक और खास बात मानी जाती है। और वैसे दोस्तों आज हमारा प्लान है कि वेनिस के आसपास जितने भी आइलैंड्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करें, वो काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं यहाँ पे, और वो एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक क्रूज ट्रिप चलता है, तो उसी की अभी हम बात करने जा रहे हैं कि भाई अगर टिकट वगैरह है तो हम भी चलें। 15 मिनट्स लेटर। अभी दोस्तों हम क्रूज में बैठ चुके हैं, और ये बैच इटालियन बोल जा रहा है, मुझे समझ आ रही है देर से, तेरे को समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं भाई साहब, पता नहीं क्या टूर पे ले लिया मुझे। चलो भाई व्यू तो एंजॉय कर ही सकते हैं हम। और अभी हम एक पास में आइलैंड है मोरानो करके, वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, और वो सुना है बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है, तो वहाँ पर पहुँच कर भाई वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बुरा हाल हो गया भाई साहब, हम डेक पे खड़े हुए थे, और वहाँ पर हवा सारी मुंह पे आ रही थी, कान भी भाई सुन हो गया अब तो। और वैसे दोस्तों इस आइलैंड का नाम है बोरानो आइलैंड, और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे जो घर है सारे आपको दिख रहा होगा, सारे रंग बिरंगे हैं, मुझे लग रहा है LGBT वाले यहाँ पे रहते होंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और भाई आज ठंड बहुत हो रही है यार, क्लोज टू जैकेट पहन के फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही है, और ऊपर से आगे मैं डेक पे और बैठ भी जाते डेक पे बैठ के बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने व्यू एंजॉय करेंगे, उल्टा हमारे बुरा हाल हो गया। हाँ। हमने ना जान के अंदर जगह थी, हम जान के बाहर चले गए, आगे स्वाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना भाई, हमने कुछ वैसा ही कुछ कर दिया हमने। और वैसे दोस्तों अभी हम इनकी मार्केट में आ गए, यहाँ पे डेली लाखों तो नहीं हजारों टूरिस्ट आते हैं, और जो वेनिस की इकोनॉमी है, जो लोगों का घर चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए चल रहे हैं यहाँ पे। और अभी दोस्तों हम यहाँ पे एक कॉफी शॉप पे आए थोड़ी कॉफी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि भाई सुबह से बहुत भूख लग रही है, ठंड भी लग रही है, सही कह रही है। आज टेम्परेचर कितना वैसे? वैसे 4 डिग्री है। हाँ, बट 0 डिग्री है।
अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 0 डिग्री ऐसा फील हो रहा है ये बोलना। बड़ा ही दोस्तों स्लो सिस्टम है यहाँ पे, 15 मिनट से हम खड़े हैं बट हमारी बारी नहीं आई अभी तक। यहाँ पे क्या पॉपुलेशन थोड़ी कम है तो इनको हो सकता है स्टाफ ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती हो, तो ये बेचारी अकेले ही काम कर रही है, सर्व भी यही कर रही है, ऑर्डर भी यही ले रही है, बना भी यही है। बोलना नहीं चाहिए दोस्तों बट इससे वाहियात कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं पी भाई। मैंने भी नहीं, पहले तो 15 मिनट वेट करा दिया, फिर एक तो ये 4.5 यूरो की कॉफी है। हालांकि यूरोप में मोस्ट जगह आपको 3-3.5 यूरो से एक्सपेंसिव कॉफी नहीं मिलेगी। अच्छा लोग अगर पैसा साइड भी रखे भाई, जितनी एक्सपेंसिव है ये कॉफी उतनी ही घटिया है, शायद इससे घटिया कॉफी मैंने जिंदगी में पी होगी। 2 hours later. तो भाई उस क्रूज ट्रिप ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया था, सब कुछ रैली में बोल जा रहे थे वो ना हमें कुछ समझ आ रहा था और बिल्कुल घटिया सर्विस थी वहाँ पे। तो अभी भाई हमने इस बंदे से बात करी है, इसने कहा तुम क्रूज ट्रिप छोड़ दो और ये कर लो, ये वाला एक पता नहीं कोई ये जगह है, ये कोई चीज है बोट जैसी दिखती है, इसको भाई साहब गांडूला कहते हैं ये जो ट्रेन। गांडूला इसे गंडोला इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बंदा ये चला रहा है ये बहुत बड़ा गांडू है। मजाक में कह रहा हूँ भाई साहब, कोई सीरियस ना ले, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत मेहनत करके चला रहा है। व्हाट्स योर नेम? My name is Giuliano. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Are you Gandu? Yes. Yes. Okay, that's good. देखो मैंने कुछ नहीं कहा, उसने खुद ही मान लिया कि वो गांडू है। हालांकि भाई ये मूवीज में देखने को बहुत अच्छा लगता है फोटोशॉप के साथ बट एक्चुअली में हम एक नाले में से जा रहे हैं और बिल्कुल आसपास देखो सारी बांचो दीवारें सीलन वाली हो रही हैं, ऊपर बांचो गरीब लोग रह रहे जिन्होंने कभी सीलन अपनी ठेकवाई नहीं। तो ये भाई साहब सच्चाई है वेनिस की, इतनी बांचो फंगस लगी हुई है, काई लगी हुई है, सीलन लगी हुई है हर जगह और ये कहते हैं भाई वेनिस दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। ये देख लो भाई सुंदरता, मार्केटिंग ने कैसे बेवकूफ बनाया दुनिया को, लाइव एग्जांपल है उसका। ये देखो घर देखो भाई साहब, यहाँ पे रह रहे हैं लोग गरीबी में, ये अमीरी है भाई साहब यूरोप की, देख लो भाई अमीरी देख लो पूरे यूरोप की, कितना अमीर है यूरोप। मजा आ गया तेरे को यहाँ पे नाला सुपारा देख के? ऐसा पूरा यार मूड खराब हो गया यार ये देख के। तो सुना था भाई साहब कितना सुंदर है, मैं शुरू में व्लॉग में आपने देखा होगा बहुत एक्साइटेड था मैं, और मेरे जैसे सैकड़ों लोग भाई साहब यहाँ पे आते हैं और सच बताऊं भाई इतनी घटिया बदबू आ रही है, आपको सीलन वगैरह दिख ही रही होगी, तो आप सोच सकते हैं भाई साहब क्या हालत हो रही है मेरी। और सबसे हैरानी की बात है कि इसके मैंने पैसे दिए हैं और लोग यहाँ पे आने के लिए पागल है, लोग सोचते हैं भाई साहब वेनिस क्या बहुत बढ़िया सिटी है, क्या है यहाँ पे घंटा कुछ है भाई साहब, सिर्फ बदबू है, नाले हैं, ये सीलन है और गरीबी है। और ये देखकर दोस्तों मेरा पूरा जो था यहाँ पे आने का ड्रीम था या मैं कहूँ एक्सपेक्टेशन थी वो सारा खत्म हो गया भाई, सारा मूड खराब हो गया देख के सच बताऊं तो। Thousands of tears later. तो सुबह से भाई दिमाग खराब हो रहा था, ये सोचा भाई खाना ऑर्डर करते हैं, यहाँ खाना भी खाना लाए मान ले बंदा, ये पिज्जा है। थैंक यू। तूने क्या किया पास्ता को किया ना? इसने पास्ता किया भाई, मैंने ये वेजिटेबल पिज्जा किया है, तो ये बैठ के आराम से खाते हैं और यहाँ से व्यू बहुत जबरदस्त आ रहा है, पीछे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और रेस्टोरेंट वाला बंदा हमारा अच्छा है, हमने कहा भाई ठंड हो रही है तो इसने हमारे लिए हीटर चलवाया, जो लाल आपको लाइट दिख रही होगी ये हीटर की ही है। खाना वैसे बढ़िया था भाई, पिज्जा और पास्ता भाई दोनों इटली की स्पेशलिटी, दोनों इटली से निकले हैं तो वो तो भाई अच्छा होना ही था। और अब दोस्तों ठंड बहुत हो गई है और स्पेशली क्योंकि हम रिवर साइड पे है तो ठंड और ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। और अब भाई बस मैं अपने रूम की तरफ जाना हूँ, वहाँ पर जाकर भाई रेस्ट करेंगे, कल की मेरी फ्लाइट है। और उम्मीद करता हूँ आपने इस व्लॉग को इंजॉय किया होगा, ऐसे ही व्लॉग्स के लिए, ऐसे ही और व्लॉग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।